दिस कार्टून इज ब्रॉड टे बाय नॉरस नॉरस सबसे अच्छा है ये, hmm? वो देखें। बबलू भाई क्या कर रहे हैं hmm? Hmm? जल्दी से कैमरा निकाले इनकी वीडियो hmm? बनाते हैं। है hmm? oh मजा भूल न जाना फिर पप्पा नारस लेके घर आना नौरस का जायका तो सबसे अच्छा है ये है बबलू भाई जो इस वक्त मार्टो में चोरी का सैंडविच खा रहे हैं है हा? ये क्या कर दिया बबलू भाई आपने मैं भी सब दोस्तों को भेजता हूँ आखिर मामला क्या है देखो। वैसे क्या जबरदस्त वीडियो बनाई है नहीं? नहीं? अफसोस, बबलू को ऐसा नहीं करना चाहिए था नहीं? ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं अब मैं तुम्हें बबलू के साथ नहीं देखू नहीं? फैदान भाई फैदान भाई मुझसे बात नहीं करें। ये सब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं आखिर आखिर मैंने किया क्या है क्या बात है बबलू भाई दिखाई नहीं दे रहे उन्होंने काम ही ऐसा किया है अब मुंह छुपाते फिर रहे हैं मार्ट से सैंडविच चुरा कर खा रहे थे समझ नहीं आया मामला क्या है बबलू भाई से ऐसी हरकत की उम्मीद तो नहीं है क्या आप सब ने अपनी आंखों से देखा है अपनी आंखों से क्या बबलू भाई की वीडियो तो सोसाइटी के तमाम ही लोगों ने देखी है क्या किसी ने बबलू भाई से पूछा कि क्या मामला है पूछना क्या वीडियो सबने देखी है आप सबको बबलू भाई से पूछना चाहिए था आप उनके दोस्त हैं। उनकी आदत को जानते हैं वो ऐसा काम कैसे कर सकते हैं मुझे उम्मीद है की असल बात कुछ और ही होगी तो फिर हमें बबलू भाई के पास जाना चाहिए बबलू भाई मामला क्या था <laughs> भाई आपका शुक्रिया आपने मुझसे पूछा वरना मेरे दोस्त तो मुझसे नाराज ही हो गए थे मामला ये था कि इसको घर जाकर खाना हम्म बस यहाँ से काट कर वायरल कर दो मैं बाबा से आग बचाकर खा रहा था जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था और उन्होंने वीडियो बना ली और इस वीडियो को एडिट करके ये क्लिप वायरल कर दिया <laughs> आपने अपने दोस्त को तनहा कर दिया आपको बबलू भाई से मुतालिक अच्छा गुमान रखना चाहिए था दोस्तों मुसलमान को यही हुक्म है कि मुसलमान के साथ नेक गुमान रखे बदगुमान नहीं हो मुझे तो ये क्लिप फैजान भाई ने भेजा था फैजान भाई क्या आपने अल्लाह पाक का ये फरमान नहीं सुना? सुनाजी फू अला फाल तुम नादीन अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो तहकीक कर लो कि कहीं किसी कौम को अनजाने में तकलीफ ना दे बैठो कि फिर अपने किए पर शर्मिंदा होना पड़े इस तरह की कोई पोस्ट वीडियो शेयर नहीं करना चाहिए और बिलफर्ज अगर ये वीडियो सच्ची भी होती तब भी किसी मुसलमान का पर्दा नहीं रखना चाहिए था जी गुलाम रसूल भाई ये तो मुझसे गलती हुई मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बबलू भाई मुझे माफ़ कर दीजिए ओके okay. गुलाम रसूल भाई आपका बहुत शुक्रिया आपने मेरे बारे में नेक गुमान किया और मेरे दोस्तों से मुझे मिला दिया इस खुशी के मौके पर क्यों ना नौरस हो जाए हम्म। hmm. नौरस से तो दोस्ती और भी गहरी हो जाती है क्योंकि नौरस सबसे अच्छा है आपने ये वीडियो क्लिप एडिट करके क्यों वायरल किया हम तो सिर्फ तफरी करना चाहते थे क्या दूसरों को तकलीफ देना तफरी कहलाता है, है ये तो टैलेंट था हमारे दोस्त का क्या दूसरों को अजियत देना तकलीफ पहुंचाना, किसी की नेक नामी को नुकसान पहुंचाना, किसी की अच्छी शोहरत को खराब करना किसी को बदनाम करना क्या ये टैलेंट कहलाता है हमें माफ कर दे हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे माफ़ी तो आपको बबलू भाई से मांगनी चाहिए लेकिन ये बताइए सोसाइटी में उनकी जो बदनामी हुई उनकी शोहरत को जो नुकसान पहुँचा वो कैसे पूरा होगा हम असल वीडियो एडिट करके दोबारा चलाएंगे और साथ माफ़ी भी मांगेंगे कि हमसे गलती हुई दोस्तों किसी भी वीडियो को बगैर तहकीक के शेयर नहीं कीजिए और न ही किसी के एप सोशल मीडिया पर बयान कीजिए और झूठी वीडियो डालना तो सख्त गुनाह की बात और जुल्म है दिस कार्टून वॉज ब्रॉट बाय नॉरस नॉरस सबसे अच्छा है कीप वॉचिंग